राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सियासत में भूचाल आ गया और अब मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग भी तेज हो रही है। हालांकि ये मांग काफी दिनों से उठ रही है, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मदन दिलावर को इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार में ये चर्चाएं क्यों तेज हैं। विधानसभा में विपक्ष ने मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग की और इसके बाद में खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री के आदिवासियों के डीएनए को लेकर दिए गए विवादित बयान का जिक्र करते हुए सदन में कहा कि मुख्यमंत्री या पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि मंत्री ने गलत शब्द कहे हैं। पूरे विपक्ष की ये मांग है कि मुख्यमंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा लें और मंत्री सदन में माफी मांगे। इसके बाद दिलावर ने भी सदन में अपना पक्ष रखा था, लेकिन हंगामा बढ़ता देख कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद मदन दिलावर जैसे ही विधानसभा से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के सामने भी एक बयान दिया जो कि चर्चा में चल रहा है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेसियों आप सब मिलकर हिंदुओं का अपमान करने के लिए राहुल गांधी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आपको हिंदू होने के नाते कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दिलावर का ये बयान आप सुनिए। राजस्थान के कांग्रेसियों, आप सब लोग मिलकर के हिंदुओं का जो अपमान किया है उसके लिए राहुल गांधी से कब इस्तीफा मांगना चाहते हैं, या वो हिंदुओं के अपमान किया है उसके लिए इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आप यदि हिंदू हैं तो कब कांग्रेस छोड़ करके कहीं जाना चाहते हैं, या हिंदू होने के बावजूद भी कांग्रेस में रह करके अपने पूर्वजों का अपमान निरंतर करा रहे हो, इससे ज्यादा अपमान और इससे ज्यादा बावड़ापन आपका क्या हो सकता है? मंत्री मदन दिलावर को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार क्या है। आपको बता दें कि जब विधानसभा में विपक्ष की टोका टोकी हुई थी उस समय भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आदिवासी समाज ने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान नहीं करूं या उनको ठेस पहुंचाऊं। मैं आज भी उनको श्रद्धा से नमन करता हूं। समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय हैं। आपको बता दें कि मदन दिलावर ने जब डीएनए टेस्ट का बयान दिया था आदिवासियों को लेकर, उसके बाद से खूब सियासत तेज हुई। आदिवासियों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया और मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की। साथ साथ में ये भी मांग की कि मदन दिलावर आदिवासियों से माफ़ी मांगे। इसके अलावा आदिवासी समुदाय से आने वाले कई युवाओं ने अपना ब्लड सैंपल भी दिलवाया और यही नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोध भी अपना ब्लड सैंपल लेकर के मदन दिलावर के आवास के बाहर पहुँचे थे। उस समय भी खूब हंगामा हुआ था और अब विधानसभा में भी उनके इस्तीफे को लेकर मांग उठी और उसके बाद में विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब देखना होगा कि इसको लेकर मदन दिलावर का अगला कदम क्या होता है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।